والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات ذی وقار محترم علماء کرام اور میرے معزز سامعین آج کی یہ ملاقات اور یہ نشست دعوت قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ کی خاص توفیق اور عنایت کے بدلے میں ہو رہی ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ ایسی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں کہ جن باتوں کے سننے کرنے اور سمجھنے کے بعد ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے درس قرآن کریم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
देना है क्योंकि आगे जो महीना शुरू हो रहा है ये महीना भी तो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, तो उसकी मुनासबत से भी कुछ बात इंशाअल्लाह करूँगा। बहरहाल जो भी अल्लाह जहन में डाले, गुजारिश ये है कि मेरी और आप तमाम दोस्तों की नीयत ये होनी चाहिए कि हमने महज अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठना है, सुनना सुनाना है, समझना समझाना है। क्योंकि बगैर अल्लाह की रजा के और बगैर इस नीयत के इंसान का कोई अमल भी उसके हक में बेहतर साबित नहीं हो सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, जाहिर बात है आमद का मतलब है आना, आने वाला जो भी आता है किसी न किसी मकसद के तहत आता है। जो आया है उसकी आमद पे नजर इतनी नहीं होती जितनी उसकी आमद के मकसद पे नजर होती है। आने वाला आ गया, ठीक है आ गया, आपने एहतराम कर लिया, आपने इज्जत दे दी, आपने मेहमान नवाजी कर ली, आपने अच्छा बिस्तर दे दिया, अच्छी जगह दे दी, अच्छा खाना दे दिया, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मामला खत्म तो नहीं हो जाता। असल मकसद तो ये है कि ये देखा जाए कि ये आने वाला आया क्यों है, ये आने वाला आया क्यों है। और जाहिर बात है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, इसका सिवाय इसके और कोई मकसद कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद महज इंसान को उसकी इंसानियत देने के लिए हुई है। बस इंसान तो थे, शक्लें तो थी, ढांचे तो थे, लेकिन जाहिलियत के उस जमाना की वजह से क्या हालत हो चुकी थी उस उन इंसानों की कि उन्हें महज ढांचे और शक्ल के इंसान तो कहा जा सकता है लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद महज इसी मकसद के लिए हुई है, जैसा कि अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं मा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदू। बस यही हर नबी की आमद का मकसद था कि वो दुनिया में जाए और इंसान कहलाने वालों को इंसानियत का सबक दे, क्योंकि इंसानियत इसी चीज का नाम है कि इंसान शुक्र गुजार होता है, ना शुक्रा इंसान कामिल नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी नाशुक्री है कि सब कुछ अल्लाह दे और अल्लाह पैदा करे पाले, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र ना हो तो ये नाशुक्री। तो हर नबी की आमद इसी मकसद के तहत, हुजूर भी इसी मकसद के तहत तशरीफ ले आए। और आपको पता है कि किसी को इंसान अगर बनाना हो, इंसानियत दिलानी हो, इस्लाह करनी हो, बिगड़े हुए को संवारना हो, तो जाहिरी कवानीन जोर और डंडे के बुनियाद पे सख्ती और ये चीजें आरजी इस्लाह होती है। आरजी जितने तक वो डंडा सर पे है तो कोई आपकी बात मानता रहेगा, और अगर वो डंडा आपने हटा लिया है, वो जो नाफिज कानून है उसमें अगर कोई सुस्ती हो गई है तो
लोगों को तो फिर आजादी मिल जाएगी। मुस्तकिल इस्लाह जो होती है वो तब होती है जब कवानीन के साथ साथ उन लोगों के दिलों को बदला जाए। जब तक बात दिल में ना उतारी जाए, दिल की इस्लाह ना की जाए, दिल को ताबे फरमान ना किया जाए, उतने तक कभी भी कोई मुस्लिह या कोई कानून नाफिज करने वाला अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। मकसद में मुस्तकिल कामयाबी तब होती है जब लोगों के दिलों को बदला जाता है। दिल आप बदल देंगे ना तो फिर डंडा ना भी हो सर पे, तो जब दिल बदल गए, ऊपर से कोई हटाने वाला रोकने वाला ना भी हो, उसके अंदर एक रोकने वाला पैदा हो जाता है। इसकी आवाज थोड़ी सी सेट करें और खोल दें थोड़ी सी आवाज। बस मैंने आयत भी यही पढ़ी है और मैं दो चार बातें आपसे करनी भी यही है, इस्लाही सी कुछ इस्लाह अहवाल के मुतालिक, क्योंकि हुजूर की आमद का मकसद यही है। अब मैं आमद शुरू कर दूं, हुजूर आए तो क्या हुआ दुनिया, अगरचे वो जिक्र मुस्तफा है, बरकत से खाली नहीं, लेकिन उसका हमारी आमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैं आपको ये सुनाऊं कि हुजूर इतने हसीन थे, हुजूर इतने जमील थे, हुजूर आए तो ये हो गया वो हो गया, तो क्या उन बातों को सुन के आप नमाजी हो जाएंगे? क्या उन बातों को सुन के आपकी अमली जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी? नहीं, अमली जिंदगी में तब्दीली तब आएगी जब हुजूर की आमद के मकसद को सामने रखा जाए। ये आने वाला आ तो गया लेकिन आया क्यों? बहरहाल आए इसलिए कि इंसानियत के दिलों को बदलें। वो दिल जो जुल्मत के गहवारे बन चुके, जाहिर बात है, पर ये जो दिल होता है ना इंसान का, इसे बदला तो जा सकता है ना, क्योंकि दिल की ये एक खासियत है कि ये एक हालत पे कायम नहीं रहता, कभी किसी हालत में होता है तो कभी किसी हालत में होता है। सरे दस्त जो मैं आपके सामने बात खुलासे के तौर पे अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि दिल छह मुख्तलिफ हालात से गुजरता है। कितने हालात? छह हालात। अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले दो हालात दिल के वो ये हैं कि दिल कभी जिंदा होता है तो कभी मुर्दा हो जाता है। दिल कभी जिंदा होता है तो कभी मुर्दा हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर से आने से पहले लोगों के दिल मुर्दा हो चुके। अब हुजूर तशरीफ लाए तो आए ही इसीलिए कि इन मुर्दा दिलों को जिंदा किया जाए, सिवाय इसके हुजूर की आमद का क्या मकसद हो सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर कामयाबी भी उसी के लिए जो जिंदा दिल हो, वगरना अगर दिल इंसान का मुर्दा है तो ये ढांचा फिर किस काम का है? और दिल की हैसियत भी इंसान के वजूद में वही है जो लश्कर के अंदर बादशाह की हैसियत होती है।